रायपुर में आयोजित धर्म संसद में विवादित बोल की वजह से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने देश के विभाजन के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए कई तरह के अपशब्द कहे। वहीं महंत राम सुंदर दास ने कालीचरण महाराज का विरोध करते हुए कहा कि संतों का काम अपशब्द कहना नहीं है। साथ ही महंत राम सुंदर दास ने धर्म संसद का बॉयकॉट कर दिया। उधर कई संतों ने महंत राम सुंदर दास के बॉयकॉट को संतों का सीधे सीधे अपमान बताया। तो धर्म संसद में विवादित बोल पर बॉयकॉट हो गया और उसके बाद यहां पर विवाद और ज्यादा गहरा गया, घटा नहीं। महंत राम सुंदर दास ने कहा कि संतों का काम अपशब्द कहना नहीं है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं है। दरअसल ये मंच से एक विवादित बोल सामने आए कालीचरण महाराज के, और उसके बाद महंत राम सुंदर दास ने क्या कुछ कहकर बॉयकॉट किया है ये भी हम आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महादास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पे उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम अपने रास्ता से भटक गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो दिन की समुद्र मंथन में क्या निकला? जिस महात्मा गांधी ने अपना सब चीज न्यौछावर करके भारतवर्ष को आजाद दिलाया, उसको इस मैं नीलकंठ त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं, आपने मुझे इस धर्म संसद का संरक्षक बनाया, मुख्य संरक्षक बनाया, राष्ट्रपिता को गाली देने के लिए आपने मुझे यहां बैठाया सुबह से शाम तक। तो हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सुप्रिया, इस पूरे मामले के बाद ये जो बयान आया उसके बाद राम सुंदर दास ने जिस तरीके से बायकॉट किया है, अब किस तरह का माहौल वहां पर दिखा उसके बाद? जी देखिए, रायपुर में धर्म की रक्षा के लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद महंत राम सुंदर दास जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है उनसे कहा गया था कि आप इस धर्म संसद के मूल संरक्षक बने और तमाम जो धर्मावलंबी है उनसे उनके जो विचार है वो रखिए, और इसके अलावा जो जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर के जो आपत्तिजनक बातें कही जाती है तो हिंदू धर्म के लोगों को जागरूक कर धर्म के प्रति। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर धर्म संसद का आयोजन किया गया, साधु साध्वियों का जिस तरीके से विवादित बयान सामने आ रहा है, कुछ साध्वी का ये कहना है कि मुसलमान भाइयों की वजह से हिंदू लड़कियों को सुरक्षित करना चाहिए, तो वही अब जो कालीचरण महाराज है उनका भी विवादित बयान सामने आया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को अपशब्द कहते हुए गोडसे को नमस्कार किया। तो इस बयान के बाद पर धर्म संसद में बवाल मच गया और जो महंत राम सुंदर दास है उन्होंने इस धर्म संसद का बायकॉट करके कहा कि संतों का काम अपशब्द कहना नहीं है बल्कि धर्म का प्रचार प्रसार करना है। धर्म संसद का मूल उद्देश्य ही का है यही नहीं पता है, तो इसलिए उन्होंने धर्म संसद को बायकॉट कर दिया और वो नाराज होकर चले गए। बिल्कुल सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर धर्म संसद के मंच की अगर बात करें, धर्म संसद की बात करें, तो विवादित बयान यहाँ पर आए सामने और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा हंगामा भी बरपा और विवाद बढ़ा। अब आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि कालीचरण महाराज ने क्या कहा जिस पर यह विवाद पैदा हुआ और उसके बाद महंत राम सुंदर दास ने किस तरीके से अपना रिएक्शन, किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए बायकॉट किया इसका। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महादास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पे उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम अपने रास्ता से भटक गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो दिन की समुद्र मंथन में क्या निकला? जिस महात्मा गांधी ने अपना सब चीज न्यौछावर करके भारतवर्ष को आजाद दिलाया, उसको इस मैं नीलकंठ त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं, आपने मुझे इस धर्म संसद का संरक्षक बनाया, मुख्य संरक्षक बनाया, राष्ट्रपिता को गाली देने के लिए आपने मुझे यहां बैठाया सुबह से शाम तक।